बहुत दिन रहा था। हम भी अभी लोग जा रहे हैं गाड़ी का प्लग लेने के लिए, तो अभी हो गई हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और देखते हैं आगे आगे कोई दुकान होगा। तो गाइस अभी हमने सुबह गाड़ी निकाली तो हमारी ये गाड़ी की ना किक जाम हो गई है, किक लगी नहीं रही। बहुत दिन रात में हूँ मोहम्मद फैजान और एक और नए नाफिज, और आज हम घर के बाहर नाश्ता लेने निकले थे और यहाँ चल रही है बारिश स्लो स्लो, और हमने गाड़ी वगैरह निकाली और हमारी गाड़ी किक हो गई जाम। उसके बाद भाई हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट वगैरह नहीं हो रही है और ये सब प्लग खोलते हैं, प्लग खोलने के बाद तो स्टार्ट करते हैं। मौसम मेरे पीछे आप व्यू देख सकते हैं, तो चलते हैं वीडियो की जाने को दिखाते हैं। तो गाइस अभी हमने सुबह गाड़ी निकाली तो हमारी ये गाड़ी की ना किक जाम हो गई है, किक लगी नहीं रही, किक लगी नहीं रही, लग नहीं रही। फिर हम अपने गली के रोड पर आए इस जगह पर और हमने गाड़ी का क्लच वगैरह को बाहर निकाला थोड़ा सा, फिर उसको निकाल के किक वगैरह लगाई, फिर उसके बाद दोबारा क्लच लगाया तो अपनी हो गई गाड़ी किक तो सेट हो गई लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही। अभी हमने सब प्लग के खोल दिया कि बारिश से ये पानी वगैरह चला गया होगा इसमें, ये आ गया सब प्लग के। तो अभी प्लग के हम मंगवाया घर से प्लग पाना था उसको खोलने के लिए, तो खोलते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं, उसके बाद चलते हैं अपन लोग नाश्ते की जानी से। कुछ सामान वगैरह भी लेना है घर का तो वो भी लेते हैं। और ये रोड का मंज़र है आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंज़र है, आज संडे का दिन है और इतना प्यारा मौसम हो गया है। इंशाल्लाह आज आपके साथ बने हुए हैं इस ब्लॉग के अंदर और आपको दिखाएंगे आज का सूरत हाल, आज की सारी तफसीलात के आज हमने कहाँ कहाँ जाना और क्या क्या करना है और किस तरीके का आज का मौसम रहने वाला है वो भी सब कुछ दिखाएंगे। और अभी अभी फ़िलहाल हल्की हल्की बारिश हो रही है, शायद आपको ये पानी के अंदर नज़र आ रही हो। अभी मैंने बिलाल को घर भेजा है, हमें प्राइवेट गाड़ियाँ बाइक्स वगैरह चल रही हैं वो भी कम है बारिश की वजह से। और बहुत खूबसूरत मौसम है, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ अच्छी जगह। हेलो भाई, बिलक में पानी चला गया है, इसको खोलते हैं और देखते हैं भाई इसमें पानी है। ये हमारे अली, ये मुस्तफा, सो भाई इसमें नया हुआ है थोड़ा आयल वगैरह आ गया है, इसको पेट्रोल से धोते हैं, पेट्रोल से धोते हैं उसके बाद ये देख सकते हैं आप इसका। सो भाई जब हम इसको पेट्रोल से धोते हैं, हमने डाल दिया पेट्रोल, ये देखिए कितना काला निकल रहा है, इसको साफ करते हैं वो लगाते हैं। तो गाइस अभी हमने इसको लगाया, इसका करंट चेक करते हैं, इसमें करंट तो आना स्टार्ट हुआ है, करंट स्लो आ रहा है लेकिन करंट आ रहा है इसमें, और लगा दें प्लग। सो गाइस ये गाड़ी स्टार्ट नहीं है और ये फिलहाल अभी बच्चे कहीं धक्का मारते हैं गाड़ी स्टार्ट करने। सो गाइस इसको इतना करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, इसको हमने प्लग भी धो दिया और गाड़ी को धक्के पे भी स्टार्ट किया लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है। फिर भी बिलाल लगा हुआ या उमर आ गया हमारे पास, देखते हम भाई क्या सीन है। अभी हमने घर से प्लग वगैरह मंगाए दूसरे, बहुत दिन रात हम भी अभी लोग जा रहे हैं गाड़ी का प्लग लेने के लिए, तो अभी हो गई हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और देखते हैं आगे आगे कोई दुकान वगैरह खुली है या नहीं खुली, फिर वहाँ तक प्लग वगैरह लेते हैं। साथ में हमने उमर को ले लिया अपने, और ये फुटपाथ है स्कूल की, ये स्कूल की दीवार है और ये फुटपाथ है, इसके सामने ग्राउंड है, चर्च मिशन कंपाउंड बना हुआ है। रुपान क्या है ना, मार गाइस ये प्लग लिया है, हम लोगों ने उसको चेक करते हैं,
जैसे हम पानी पीते हैं ऐसे ऑयल पीती है ये भाई। ऑयल जा चुका है अब गाड़ी के अंदर, अब सीज का खत्म खतरा। फैजी भाई के पास है, फैजी भाई के पास कैन में भी डाले। उमर भाई आप क्या कहना चाहेंगे, आइल डल गया अब तो सुकून हो गया? सुकून हुआ है जाके, बड़ी क्वारी करी है भाई, अब जाके चलें भाई। अब ढक्कन लगेगा और गाड़ी हो जाएगी हमारी चौक आती है। हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से दूध भी ले लें नाश्ते के लिए, तो अभी हम दूध वाले के पास आए। भाई 2 किलो दूध दे दोगे? 120 रुपये किलो दूध हमारे अभी अभी हमारी हो गई गाड़ी सही, और हम गाड़ी वगैरह के नाश्ता वगैरह चलाना था, हमने ले लिया सामान वगैरह जो भी चाहिए था ले लिया, और बड़ी मुश्किल लगी भाई, तकरीबन 1.5 घंटे हमारे उसमें ख़राब हुए। ये सारे बच्चे बेचारे खुआर हुए धक्के मार मार के। अस्सलामुअलैकुम, ये बिलाल उमर। तो भाई अभी करते हैं ब्लॉग को अपने को यहीं पर ही एंड, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक लिए चाहता हूँ आपसे ज़्यादा, अल्लाह हाफिज़।